स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अगर मेरे रूम में कॉफी 5 मिनट में नहीं आई तो तुम सोच लो। करेले का जूस पियो, सोच क्या रही हो? दादी जी, इस पे मेरी क्या गलती? अरे वो मैं ही था जिसने दादाजी को चाय की दुकान पे चीनी वाले चाय पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। माँ, वो मैं था जिसने बाबूजी को रोका था। क्या रोका था? अरे रोका कहा था, बल्कि इसने तो कहा माँ घर पे नहीं है, थोड़ी पी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक कप में चीनी होती ही कितनी है, इतनी ना। आप कितना झूठ बोल रहे हैं माँ। माँ ये झूठ तू बता ना यार, सच बता। हाँ मैं बताता हूँ आपको। चाचू और मैं जब ऑफिस से आ रहे थे तो हम क्या देखते हैं, दादाजी चाय की दुकान पे खड़े होकर चीनी वाली चाय पी रहे हैं। हाँ? और जब हम मना करते हैं रजनी, रजनी भी तो चीनी वाली चाय पीने के लिए मना करती है। आप बोलो ना चाचा जी। हाँ मैं बोलता हूँ जब हम लोग आए तो बाबूजी चाय पी रहे थे चुपके से वहां पे। मैंने बाबूजी को रोका। छोटी बातें हैं माँ, इन बातों में रखा क्या है? क्या रखा है? जाने दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तू चुप कर और जा यहाँ से। आई बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये भी लेके जा, हम लोग नहीं पी रहे, फाइनल हो गया। लेके जा। ये जल्दी से खत्म करो, अभी एक एक गिलास और पीना है तुम तीनों ने। माँ माँ मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ आपको? तो क्यों चिल्ला रहे तू ईशान? मेरा पेन नहीं मिल रहा है। रोज मैं ऑफिस से पेन लेके आता हूँ और मेरा पेन गायब हो जाता है। मुझे कोई पेन दीजिए अभी। ये ले। सच में रोज आना इसके कमरे में से पेन गायब हो जाता है। अरे भाई यूज करो पर वापस रख दो ना। राधा तुम तो रहने दो, इसकी तरहदारी मत करो, जरूर इसने इधर उधर रखा होगा। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, आप झगड़ा मत करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलो माँ। अब क्या है? वो एसी को लेके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? मतलब ईशान एसी का क्या कह रहा था? किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं नहीं बड़ी माँ, किसी ने कुछ कहा नहीं है। पर ईशान सुहाना खुश है ना? बस तो फिर तू इतना क्यों सोच रहा है? जो भी हो माँ, सुहाना तो खुश है पर अचानक मेरे रूम में एसी, ये अच्छा नहीं लगता। और बड़ी माँ आप ही बताइए, ये तो पार्शियलिटी हुई ना? इसमें पार्शियलिटी कैसी? अरे वाह राणा सुना,
ये तेरा बेटा क्या कह रहा है? मतलब तेरी माँ ने तेरी पत्नी के लिए एसी लगवाया तो अच्छा नहीं लगा, और जब ये तेरी राधा बुआ तेरे लिए हलवा छुपा कर रखती है वो, तब तुझे दूसरों के लिए बुरा नहीं लगता? बड़ी माँ वो तो ठीक है। वाह बड़ी भाभी, आप जब इलेश के लिए खीर छुपा के रखती है तब क्या पूरे दिन में दो बार खाता है वो? और माँ भी तो बाऊजी के लिए चिकन लेग पीस छुपा के रखती है, उसका क्या? हाँ, और बाऊजी माँ के लिए रोजाना सोन पापड़ी लेकर आते हैं, उसका क्या? हाँ है ना। बदमाश, अब मुस्कुरा रहा है? तेरी माँ ने अगर अपनी बहू के लिए थोड़ा सा भेदभाव कर भी दिया तो उसमें क्या बुरा किया? हाँ बिल्कुल, हम सब जिंदगी में भेदभाव करते हैं भाई, झूठ क्यों बोले। हाँ अपने बच्चों में भी करते हैं। हाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ ना इंसाफी करते हैं ना। जो रजनी को मिला वो दिशा को नहीं मिला, जो दिशा को मिला वो सुहाना को नहीं मिला। इतने सालों का प्यार, और ये क्यों भूल रहे हो कि सुहाना इस घर की छोटी बहू है, तुम उसे थोड़ा लाड़ थोड़ा ज्यादा प्यार। ठीक है बड़ी माँ, आपकी फिलोसॉफी तो सबसे अलग है। हाँ। आप जीती मैं हारा, अब मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है अभी तक डिस्टर्ब्ड है ना डैड? नहीं तो आप हैं। मुझे पता नहीं कि आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, पर मुझे पता है कि दीदी गुस्सा क्यों है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, मैंने जो किया गलत किया? नो डैड, मैं तो आपको पहले ही 10 out of 10 दे चुकी हूँ ना, एंड बिलीव मी थोड़े ही दिनों में ना दीदी भी ये समझ जाएगी। जाती हो संजू, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो सुहाना के ससुराल वालों के साथ बहुत खुश होती। उसे हमेशा जॉइंट फैमिलीज बहुत अच्छे लगते थे, सबके साथ हंसी मजाक मस्ती, जिंदगी का असली मजा। ईशान को तो अब तक आंखों में बसा लिया होता तुम्हारी माँ ने। हाँ पर इससे तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, दीदी तो जल बुन के राख हो जाती। सो तो है, तुम्हारी दीदी हमेशा जिद्दी रही है, जो मिला वो नहीं चाहिए और जो ना मिला बस वो ही पाना चाहती थी, इसलिए तो विदिशा को उसकी चिंता बहुत रहती थी। और इसलिए माँ दीदी को ज्यादा चाहती थी। कौन जल रहा है? लेट मी टेल यू, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती थी और मैं भी। कम हियर माय फूलिश डॉटर, मैं तुम्हें बता दूं कि माँ बाप के लिए सारे बच्चे हमेशा बराबर होते हैं। हाँ मैं नहीं मानती डैड, वरना माँ मेरे लिए भी तो लेटर्स छोड़ के जाती ना, जैसे दीदी के लिए। दीदी को माँ ने दो दो लेटर्स लिखी, उनके 18th बर्थडे पर और उनकी शादी पे। और मेरे पास कोई गिफ्ट है माँ का? नहीं। देखो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ा है जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी पर मिलेगा। सच डैड? ये जो तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो, इसका सारा क्रेडिट तुम्हारी माँ को जाता है। पता है क्यों?
क्योंकि जब तुम 3 साल की थी तुम्हारी माँ तुम्हें डांस स्टेप सिखाया करती थी। हाँ बहुत अच्छी डांसर थी ना। फैंटास्टिक डांसर नंबर 1। डांसिंग वॉज अ पैशन, वो जिंदगी में बिलीव करती थी, जिंदगी को हर पल सांस पे थिरकते देखना चाहती थी वो। शी वॉज अ फाइटर, अ फाइटर। और जब उसने अपना दम तोड़ा था ना, उसका एक हाथ मेरे हाथ पे था और दूसरा हाथ सुहाना और तुम्हारे हाथ पे। उस वक्त भी हम सब जुड़े हुए थे, लेकिन आज सुहाना हमसे अलग हो गई है। वो मुझसे नाराज है। मैंने कहा ना, दीदी का गुस्सा खत्म हो जाएगा। जिस विश्वास पे आपने दीदी के लिए जीजू और उनका परिवार चुना है ना, वो विश्वास टूटेगा नहीं डैड। और आप भी कहते हैं ना कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सर पर हमारी माँ का हाथ है। फटाफट 2 रोटी बना दो, मीठी को नींद आ रही है, फिर से खाए बिना ना सो जाए वो। हाँ बस वो भी हो गया, जल्दी 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 जल्दी। मीना कॉफी जल्दी। ओके भाभी, मैं जल्दी से पहले 2 रोटी बना लूं, फिर मैं आपके लिए ना कॉफी बनाती हूँ। रोटी क्यों, अभी डिनर टाइम थोड़ी है, पहले मेरी कॉफी। वो रजनी भाभी ना, डोंट आर्ग्यू। कॉफी जल्दी मेरे रूम में। सिया सो जाएगी मीना, क्या कर रही हो, जल्दी करो ना। वो भाभी मैं बस बना ही रही थी ना रोटी, वो छोटी भाभी आ गई, उनको कॉफी पीनी थी। हाँ तो दूसरे गैस पर बना दो। इसमें ये बर्नर तो खराब है ना, मैंने बताया तो था राधा बुआ को। राधा बुआ भी ना, कोई बात नहीं, पहले चलो तुम रोटी बनाओ, बाद में कॉफी बना देना, जल्दी। कॉफी बनाने के लिए तुमको कितना टाइम लगता है, तुम सीरियसली मेरा पेशेंस टेस्ट करती है। वो ये क्या है, तुम फिर से रोटी बना रही हो और मैं ऊपर रूम में तुम्हारी कॉफी का इंतजार कर रही थी। मेरा सर दुख रहा है। ओके 5 मिनट में मुझे मेरे रूम में कॉफी चाहिए, अभी के अभी। आइसक्यूब था भाभी। एक ग्लास ठंडे पानी के लिए कितनी बार जाओगी तुम नीचे, कितनी बार मांगू मैं एक ग्लास ठंडा पानी घर में। तुम अभी तक कॉफी बना रही हो मीना, तुमसे कहा ना रोटी बनाने को, कहीं भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। मैं बना ही रही थी भाभी, पर वो छोटी भाभी आ गई ना, उन्हें कॉफी चाहिए थी। तुम्हारी छोटी भाभी बच्ची नहीं है ना जो सो जाएगी, तुम्हें मीठे का पता है ना, सोने का वक्त है उसका। सुहाना भाभी की बात समझ में आती है, मेरी कही हुई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हटो तुम, मैं ही बना दूंगी, हटो तुम। छोड़ो ना मीना, मैं बना लूंगी। भाभी 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 आप जाओ ना, आप प्लीज प्लीज आप मीठे के पास बैठो, मैं 2 मिनट में बना के लाती हूँ। Oh.
अब वो बस दूध उबालना है, हो गया। अगर मेरे रूम में कॉफी 5 मिनट में नहीं आई तो तुम सोच लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।